बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं, तो हमें क्लच रिलीज करना है, जरूरत होगी फिर से प्रेस करना है। यहाँ देखिए ये कंजेस्टेड रोड में यहाँ कंप्लीटली न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पैनिक सिचुएशन होती है ये, क्लच रिलीज करना और फिर प्रेस करना और मूवमेंट कर लेना। देखिए ऑटो किस तरह से आया अंदर की तरफ, ऑटो है साइकिल है, अचानक से देखिए टर्न लेते ही सामने आके रुक गया ये। तो आप कंडीशन देखिए, ये सिचुएशन होती है मार्केट लोकेशन में, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, देखिए अचानक से बीच में कोई भी आ सके। देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फुट मूवमेंट, कम्प्लीटली फुट मूवमेंट दिखाने वाला हूँ ट्रैफिक में, स्पेशली जब हम सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। ये न्यू ड्राइवर्स या लर्नर्स या आप कह सकते हैं जो अभी अभी ड्राइविंग सीखे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप समझ सकेंगे कि ट्रैफिक में किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से हमें क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेना चाहिए। तो अभी मैं एक नॉर्मल ट्रैफिक में जो सिटी ड्राइव करते हैं उस तरह से वहाँ ड्राइव कर रहा हूँ। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, इजीली आपको एक फिगर आउट कर पाएंगे कि आपने ये फुट मूवमेंट कैसे रखना है, अपना क्लच का यूज़ कैसे करना है। अभी देखिए क्लच डेड पेडल पे जैसे पूरी रिलीज कर दिया है, तो मैंने डेड पेडल पे रखा है, 30 अराउंड 20 से 30 की स्पीड में कार चल रही है आगे वाली, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ये देखिए बीच में क्या करने वाला हूँ मैं, एक्सीलेटर प्रेस किया हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ ताकि मेरी कार में मोमेंटम बना रहे और मैं जैसे ही उस तक पहुँचूँ और मेरे को ब्रेक की जरूरत ना पड़े, हल्का सा मैं एक्सीलेटर प्रेस करूँ और फिर रिलीज कर दूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी कार में पिकअप आएगी, फिर मैं उसको कंट्रोल कर सकूंगा। और जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं कि जब सिग्नल का ट्रैफिक लग जाता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, एक कार को फॉलो करना पड़ता है, तो आपने क्लच का यूज़ ज़्यादा लेना होता है, किस तरह से स्लोली मूव करना होता है, उसको भी इसमें कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को लेफ्ट लेन में जाना है, मतलब लेफ्ट टर्न लेना है, तो उस लेन में जाना है। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रश होगा और किस तरह से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपने फुट का। अभी आप आगे देखिए सिग्नल है लेकिन लेफ्ट के लिए ओपन है, तो मैंने क्या किया, मैं बाई लेन में आ गया हूँ। यहाँ देखिए हल्की सी मूवमेंट आएगी तो मेरी कार की स्पीड जो है बिलो 10 हो गई है मेरे को। ये देखिए फुट मूवमेंट देखिए, आप क्लच रिलीज कर रहा हूँ, अब पूरी तरह से रिलीज कर दिया क्योंकि मेरे को आगे दिख रहा था आराम से कार में बढ़ा सकता हूँ। अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो जाता, तो मैं क्या करता, स्लोली रिलीज करता, फुट को रखता अपनी क्लच पे, फिर से वापिस से प्रेस कर देता ताकि मेरी कार में मूवमेंट आती और मैं कंट्रोल करता फिर से वापिस से उसको। इस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होता। अभी देखिए आगे चलेंगे, अब मैं ट्रैफिक मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, और आगे चल के मैं मार्केट प्लेस में यहाँ से ट्रैफिक में क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट देखेंगे। जब मार्केट प्लेस में जाते हैं वहाँ कंजेस्टेड रोड हो जाता है, वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको फुट मूवमेंट देखिएगा और भी जब लोग चल रहे होते हैं आसपास में और ट्रैफिक एकदम कम्प्लीटली स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है तब क्या होता है। अभी यहाँ देखिए सिग्नल का ट्रैफिक है, मैं स्लो मूविंग करते हुए पहुँचा हूँ, न्यूट्रल कर दिया इसलिए क्लच मैंने रिलीज कर दिया और ब्रेक पे फुट है मेरा। अब देखिए कम्प्लीटली ब्रेक अप्लाई कर दी मैंने और अभी आगे वाली कार मूव होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी कार को मूव करूंगा। मेरे पास लेफ्ट में थोड़ी सी स्पेस है क्योंकि पीछे से कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं लेफ्ट की तरफ चला जा रहा हूँ और क्लच आप देखिए कम्प्लीटली रिलीज कर दिया मैंने स्लो मूविंग ट्रैफिक में भी। ये देखिए यहाँ क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की, क्लच इसलिए प्रेस किया नहीं तो इंजन ऑफ हो जाता। फर्स्ट ईयर में हमें क्लच प्रेस करना है फिर ब्रेक अप्लाई करनी है कभी भी हम जब आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, स्लोली मूवमेंट हुआ, अब वापिस से प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि स्लो डाउन हो गया, फिर रिलीज किया, फिर आगे मूवमेंट करेंगे। ये देखिए फिर से स्लो हो गया, कम्प्लीट स्टॉप, ये हमारा ट्रैफिक में मूवमेंट होता है। देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, अब ये वापिस से सिग्नल हो चुका है, ये वापिस से आगे बढ़ाएंगे कार को, फिर ये देखिए फिर स्टॉप करना पड़ा मेरे को, ये रिलीज करेंगे फिर से प्रेस करेंगे, ये हम होता है ट्रैफिक में मूवमेंट हमारी कार में क्लच का, स्पेशली जब हम रिलीज करते हैं फिर से प्रेस करते हैं। तो हमारा फुट मूवमेंट इसी तरह से आता है फ्रेंड्स, जैसे अपने अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसी तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होगा, ब्रेक का भी, हमें क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। यूजली क्या होता है, क्लच पहले प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में क्लच और ब्रेक साथ में प्रेस कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपका जब कार की स्पीड ज़्यादा होती है तब आपने क्या करना होता है कि आप ब्रेक पहले अप्लाई करते हैं फिर क्लच प्रेस करते हैं, पहले ब्रेक अप्लाई। अभी आगे चल के दिखाऊंगा मैं वो पोजीशन कैसी होती है, क्या सिचुएशन अराइज होती है उसमें। अभी फिर से सिग्नल हो चुका है तो मैंने कंप्लीट स्टॉप किया है, यहाँ पे गियर लगा हुआ है, मैं न्यूट्रल करके ब्रेक प्रेस कर रखा हूँ, क्लच को रिलीज कर दिया है मैंने।
अभी सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा फिर आगे बढ़ाएंगे और आगे फुट मूवमेंट, फिर आप देखिएगा कैसे, अगर सिग्नल में फ्रंट में होते हैं तो हमें थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि मैं अगर स्लोली मूव करूंगा तो पीछे से हॉर्न लगने लगेगा और मेरे को अलर्ट होना पड़ेगा। अगर मेरे पास आगे स्पेस है फिर भी मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, तो जैसे टू व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर्स अभी हॉर्न लगा रहे हैं ताकि उन्हें स्पेस मिल जाए और निकल जाए, बट यही चीज अगर फोर व्हीलर होते हैं पीछे और हम स्पेस नहीं होती आगे हमारे पास, फिर भी हमें मूव करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अभी आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए, टू व्हीलर्स, और यहाँ पे देखिए मूवमेंट देखिए, आगे लेफ्ट राइट करते हुए टू व्हीलर चलाते हैं, तो अचानक से लेफ्ट से अगर कोई टू व्हीलर आता है ओवरटेक लेके बीच में आ जाता है, तो आपने अलर्ट होना जरूरी है। ये देखिए, ये पहले लेफ्ट गए हैं फिर से राइट आ गए हैं, मैं जज कर सकता था कि ये राइट आएंगे क्योंकि आगे जो टू व्हीलर चल रहा था उसको ये इन्होंने ओवरटेक लेने की कोशिश की, तो ये जजमेंट, आपने अलर्ट होना बहुत जरूरी है और उसके वजह से आपका फुट मूवमेंट होता है। अगर आप अलर्ट होते हैं आपको पता चलता है कि फुट मूवमेंट, कोई भी व्हीकल बीच में आने वाली होती है, पैनिक सिचुएशन होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए, तो उसमें क्या करना होता है, आपका फुट मूवमेंट में एक्सपर्ट होना जरूरी है, स्किल लानी जरूरी है। इसलिए कहता हूँ ओपन स्पेस में आप ये प्रैक्टिस करिए कि आपने कार को स्टॉप करना है फिर बढ़ाना है, फिर स्टॉप करना है फिर बढ़ाना है। वो करने से क्या होगा, आपका क्लच और ब्रेक का जो है कंटिन्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिंक्रोनाइजेशन समझ में आएगा कि क्लच ब्रेक कब प्रेस करनी है, एक्सीलेटर कब रिलीज करना है। तो ये तीनों चीज में आपने 2 फुट यूज करने हैं, तो आपका फुट मूवमेंट जो है एक्सीलेटर और ब्रेक में मूवमेंट होता रहता है। इस वजह से आपको क्या होता है कि थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है, स्पेशली इस टाइप के पोजिशन पे जहाँ पे अचानक से कुछ भी बीच में आ सकता है, और ट्रैफिक जब लगता है तो आपका स्लो मूविंग होता है, कार में आपकी स्लो मूविंग होता है, तो आपका क्लच मूवमेंट, अभी देखिए यहाँ मैंने क्या किया, स्लोली पहले थर्ड गियर में था इसलिए मैंने पहले ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाया फिर क्लच बाद में प्रेस किया, पहले मैंने ब्रेक अप्लाई की। तो इसलिए मैंने जो आपको कहा था कि थर्ड गियर में या फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले थर्ड गियर पहले ब्रेक अप्लाई करते हैं कार को स्लो डाउन करने के लिए, फिर क्लच प्रेस करते हैं जैसे ही आगे मेरे को स्टॉप करना होगा या कम्प्लीटली डाउन शिफ्ट करना होगा, वो डिपेंड करता है क्या करना है हमें। अभी देखिए यहाँ से मूवमेंट आ गया, फर्स्ट गियर में मैंने मूवमेंट किया, आगे सिग्नल है, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, तो इसलिए स्लो मूविंग जो आगे की व्हीकल चल रही है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग लेना। देखिए क्लच मैंने कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है, इनफैक्ट एक्सीलेटर भी रिलीज है, मेरी कार 10 की स्पीड में चले जा रही है, सेकंड गियर में हूँ मैं। अभी देखिए मैंने कोई स्टेयरिंग का यूज लेना होगा, राइट लेफ्ट करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को स्पेस देखनी होगी, कहाँ स्पेस है उसके हिसाब से मेरे को कार आगे मूव करनी होगी। इनिशियली न्यू ड्राइवर्स को थोड़ा सा घबराहट होगी ये सब चीज में कि आपने मैनुअल करने में प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट राइट करने में प्रॉब्लम होगी, आप स्ट्रेट स्ट्रेट चलाना चाहेंगे, तो जैसे ही आपको पोजीशन मिल जाएगी फिर आप धीरे धीरे, जब आप फुट मूवमेंट में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप देखिएगा आप अपने आप ही स्टेयरिंग लेके आप अपने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दें। तो ये चीज क्या है, स्किल से आती है, प्रैक्टिस से आती है, जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होगी उसमें आपका फुट मूवमेंट कैसे किया आपने, जैसे ही आप फुट मूवमेंट में बेस्ट हो जाएंगे या फिर आप अच्छे से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप देखिएगा आपको स्टेयरिंग का भी यूज आने लग जाएगा, अच्छे से स्टेयरिंग भी कंट्रोल कर अच्छे से कर पाएंगे। अभी देखिए मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है लेकिन पीछे से टू व्हीलर्स आ रहे हैं इसलिए मैं उनको स्पेस दे दे रहा हूँ और अपनी कार को मिडिल लेन में ही रख रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल स्लोली मूव करेंगे, आगे स्पीड ब्रेकर है, देखिए क्लच का मूवमेंट, देखिए स्पीड ब्रेकर में मेरे, और मैंने आगे बढ़ाई कार फर्स्ट गियर में, फिर क्लच को प्रेस कर दिया था वापस से ताकि मेरा पीछे का व्हील्स भी इजिली मूव हो सके। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका क्लच का मूवमेंट स्पीड ब्रेकर में भी जरूरी है, फर्स्ट गियर आप लगाए हैं मूवमेंट करना है, पहले क्लच रिलीज किया, जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट आई फिर से प्रेस किया, नहीं तो क्या होगा, पीछे वाले व्हील्स जब आपके स्पीड ब्रेकर तक पहुंचेंगे तब तक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कार की और कार बम्प करेगी। इसलिए हमें क्या करना होता है, स्पीड को ब्रेक करने के लिए क्लच को प्रेस कर देना होता है। फर्स्ट गियर में आप देखिएगा इंजन ब्रेकिंग होता है, जैसे ही आप क्लच को रिलीज करेंगे थोड़ी मूवमेंट आएगी और जैसे ही क्लच प्रेस करेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी लगेगी कार स्टॉप हो रही है। तो यहाँ सिचुएशन देखिए, आप पैनिक सिचुएशन होती है, टू व्हीलर देखिए ओवरटेक लेते हुए एकदम से सामने आ जा रहे हैं, ये मेरे को जजमेंट लेते हुए अपनी कार को निकालना है, अगर उनके पास स्पेस है तो वो एकदम बीच में आ जाएंगे आपके, आपकी कार के एकदम सामने आ जाएंगे जैसे कि अभी हो रहा है, और अगर उनके पास लेफ्ट में जाने की स्पेस होगी तो आप उन्हें जाने दें, स्लोली उनके फॉलो कर लें उन्हें। अगर आप ओवरटेक नहीं ले सकते हैं, स्पेशली जब आप नैरो रोड में होते हैं तो ओवरटेक नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपको आगे भी देखना होता है, स्पीड की भी कंट्रोल करनी होती है, तो आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, उन्हें लेफ्ट से जाने दें, अगर ओवरटेक ले रहे हैं उन्हें जाने दें, अपनी कार को स्लोली रखें, वो अपने आप ही ओवरटेक लेके निकल जाएंगे अपने हिसाब से।
अब इमर्जिंग ट्रैफिक में देखिए मेरा फुट मूवमेंट कैसे होगा। मैंने सेकंड गियर लगाया वापिस से और पीछे देखते हुए राइट ईयर व्यू मिरर में देखते हुए कि कोई व्हीकल नहीं आ रही है, उसके हिसाब से मैंने इंडिकेटर भी लगाया और फिर वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा कंट्रोल जो होता है, हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारी कार का कंट्रोल हमें किस तरह से करना है, क्लच ब्रेक किस तरह से यूज करना है। अभी देखिए मेरी कार की स्पीड अबव 5 थी, इसलिए मैंने सेकेंड गियर में पुट कर लिया था, सेकेंड गियर में पुल कर लिया था। तो सेकेंड गियर में पुल करने के लिए क्या करना होता है, अगर आपकी कार की स्पीड 5 या 5 से बिलो, आई मीन 10 से बिलो है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सेकेंड गियर में पुल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लच का कंट्रोल थोड़ा सा लेना होगा, क्लच को थोड़ा सा बाइटिंग पॉइंट में होल्ड करके रखना होगा ताकि कार के इंजन में थोड़ी सी पावर आए, फिर आप पुल कर सकते हैं। यही अगर 5 की स्पीड में मोमेंटम है ऑलरेडी कार में, अगर मैं 5 की स्पीड में सोचता कि मैं फर्स्ट गियर लगा लूं तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि फर्स्ट गियर लगाते ही मेरी कार क्या जर्क होती है और झटके लगते मेरी कार में। तो इस वजह से मैं क्या किया हूँ, सेकेंड गियर में ही पुल करने की कोशिश किया हूँ अपनी कार को। अभी आगे आप मूवमेंट देखिए, यहाँ पे कम्प्लीटली जैम लग चुका है, स्लोली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का जैम। ये देखिए क्लच रिलीज किया मैंने, फिर से प्रेस किया, ये टू व्हीलर राइट की तरफ मेरे तरफ आ रहा है, बीच में घुसा है। तो इसको ध्यान रखना होगा कि मेरे को, ये देखिए मेरे मार्जिन पे है अभी ये, तो मैं आगे मूव नहीं कर सकता हूँ, अगर मूव करूंगा तो हिट हो जाएगा उससे। अभी देखिए मेरे आगे कार मूवमेंट आ गई है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्लोली मूव किया, फिर से देखिए वापस ब्रेक क्लच दोनों का मूवमेंट आया, पहले क्लच प्रेस किया फिर ब्रेक अप्लाई की। अभी देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ये देखिए आगे मूवमेंट जो है स्लोली हो रहा है कार में, आगे वाली कार ट्रैफिक में स्लो मूवमेंट है। अब मैं सेकंड गियर ले लिया हूँ क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, सेकंड गियर 20 के अराउंड स्पीड आ गई थी। अब फिर से देखिए ब्रेक अप्लाई की, साथ ही साथ क्लच प्रेस किया और फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि कार कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी मेरे को। और अभी मूवमेंट देखिए मेरे क्लच का रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है, जैसे ही मूवमेंट आ रही है देखिए मूवमेंट आई, मैंने क्लच कम्प्लीटली रिलीज कर दिया। टू व्हीलर देखिए लेफ्ट से ओवरटेक ले रहे हैं मेरे को, मेरे को अलर्ट रहना है कि अगर वो एकदम से राइट की तरफ आएंगे तो मेरे को, ये देखिए अभी जैसे आ रहे हैं ये दोनों टू व्हीलर राइट की तरफ आए हैं, मेरे को अलर्ट होना जरूरी है किस तरह से मैं मूवमेंट करूंगा। और मैंने डिपर और हॉर्न दोनों दे दिया था आगे वाली बालेनो को ताकि मैं मूव कर सकूं। और अभी आप देखिए टू व्हीलर कंप्लीटली मेरे सामने आ गए हैं, तो मेरे को क्या करना है, इनको फॉलो करना है, सिंपली इनको फॉलो करना होगा। और कभी भी आप टू व्हीलर पे स्पेशली ट्रैफिक में है तो टू व्हीलर के लिए स्पेस है तो जाने दें, रेज ना करें उनके साथ, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं से स्पेस मिल जाएगी। आप बेटर है कि उनकी स्पेस छोड़ दें, नहीं तो वो डिसबैलेंस होंगे तो आपको भी हिट करेंगे और उनको गिरेंगे तो उनको भी लगेगी, तो वो अपने आप स्पेस क्रिएट कर लेंगे आपको ओवरटेक लेने के लिए। अभी यहाँ मैं यू टर्न लेने वाला हूँ, मार्केट प्लेस में चलेंगे, वहां पे आपको दिखाता हूँ मेरा फुट मूवमेंट। और कम्प्लीटली यहाँ से यू टर्न लेने वाले हैं, अभी इंडिकेटर आ गया है, आई मीन सिग्नल आ गया है राइट का, तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया और मूवमेंट कर रहा हूँ और 10 की स्पीड है मेरे कार में, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा फर्स्ट गियर में। ये देखिए रिलीज करेंगे, क्लच प्रेस करेंगे, यही काम करना है हमें जब हम ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं, तो हमें क्लच रिलीज करना है, जरूरत होगी फिर से प्रेस करना है। यहाँ देखिए ये कंजेस्टेड रोड में, यहाँ कंप्लीटली न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पैनिक सिचुएशन होती है ये, क्लच रिलीज करना और फिर प्रेस करना और मूवमेंट कर लेना। मैंने यू टर्न ले लिया, यू टर्न लेते ही मैंने फटाफट थर्ड सेकंड गियर लगाया, पिकअप लिया, फिर से थर्ड गियर लगा लिया, 40+ की स्पीड आ गई है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ओपन स्पेस मेरे को दिख गया था। यहाँ से मार्केट लोकेशन स्टार्ट होगी, वहां मेरी ड्राइविंग में आप देखिएगा कि क्लच का यूज कैसे होता है, ब्रेक और एक्सीलेटर कैसे यूज करते हैं हम, किस तरह से फुट का मूवमेंट होगा हमारी कार में। अभी ये बस यहाँ पे स्टॉप होगी, तो मेरे को स्पेस देखनी है मेरे को टर्न लेने के जगह में। यहाँ से इंडिकेटर लगा के मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप कंजेस्टेड रोड मार्केट लोकेशन में क्लच का यूज किस तरह से करना है, ब्रेक एक्सीलेटर किस तरह से यूज करना है। देखिए ऑटो किस तरह से आया अंदर की तरफ, ऑटो है साइकिल है, अचानक से देखिए टर्न लेते ही सामने आके रुक गया ये, तो आप कंडीशन देखिए, ये सिचुएशन होती है मार्केट लोकेशन में। यहाँ पे लोग चल रहे हैं, देखिए अचानक से बीच में कोई भी आ सके, देखिए आ गए लेफ्ट साइड से ही आ गए मेरे सामने में, और मेरे को ये चीज का अलर्ट होना जरूरी है। आपने क्लच और ब्रेक का मूवमेंट देखा होगा, वो सामने आए तो मेरे को क्लच ब्रेक दोनों साथ में लेना पड़ा। अभी क्लच कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है, 10 की स्पीड में मेरी कार है, मैं इससे ज्यादा लेना चाहूँ ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को फिर आगे जाके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए बीच में आ रहे हैं लोग, तो मेरे पास कार में उतनी ही स्पेस है जितनी वो चल रहे हैं, अचानक से कोई भी
2 इंच भी इधर आएगा तो मेरे को ये मतलब देखिए ये सामने में बीच में आ गए हैं, क्लच प्रेस किया मैंने, फिर से रिलीज कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट गियर में ही मूव कर रहा हूँ, कम्प्लीटली रिलीज कर दिया क्लच को, ये देखिए साइकिल बीच में आई, तो क्या करना है मैंने को, क्लच प्रेस करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है, अभी मेरा मूवमेंट देखिए क्लच का ब्रेक का, ये आगे चल रहे हैं जो, और ऑटो भी रुका हुआ है, तो मेरे को आगे ट्रैफिक में, यहाँ ट्रैफिक सा हो रखा है, आपको रिक्शा और ये जो टोटो चलते हैं बैटरी वाली रिक्शा जो है, तो उसमें क्या होता है कि स्लो मूविंग ट्रैफिक हो जाता है, और ये कंजस्टेड लोकेशन है, नैरो रोड है, मार्केट प्लेस है, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा व्हीकल होने की वजह से कंजस्टेड हो जाता है, और चलाना थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन अराइज होती है एवरी नाउ एंड देन, जब न्यू ड्राइवर्स होते हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, अभी देखिए ये आ रहा है, और लेफ्ट में जो खड़ा है वो उसको भी मेरे को जजमेंट लेते हुए निकालना है अपनी कार को, क्लच का मूवमेंट मैंने लिया नहीं, बट मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को क्लच ब्रेक दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं है, वो जो चल रहे हैं वो कम्प्लीटली बीच में आ गए हैं चलते चलते, तो यहाँ पे यही है कि उनको स्पेस चाहिए तो वो अचानक से राइट लेफ्ट होके आपके सामने आ जाएंगे कार पे, तो उसमें आपने जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव करना है, यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफर हो जाती है नॉर्मल ट्रैफिक से, क्योंकि यहाँ चलते हुए लोग हैं और स्लो मूविंग ट्रैफिक या स्लो मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं, रिक्शा होते हैं, वो एकदम से सामने आ सकते हैं या आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, तो आपको अपनी स्पेस देखनी होती है, अभी देखिए यहाँ पे ये ट्रक आया है तो मेरे को अपनी स्पेस देखते हुए अपनी कार को निकालना है, क्लच का यूज देखिए मैं कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में हूँ, मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि स्लोली मूव कर सकते हैं, न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं ये गलती करते हैं कि क्लच प्रेस कर देते हैं बार बार, फर्स्ट गियर में मूव हो रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्रेस करिए, क्लच पे फुट भी रखिए, लेकिन इसको हैबिट ना बनाए, जितनी जल्दी हो सके या जितनी जल्दी आप कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस जैसे ही बिल्ड हो जाएगा आप क्लच का यूज प्रॉपर करने लगे, मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए मेरे को यहाँ ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, मैं सेकेंड गियर में ही हूँ, ब्रेक हल्की सी अप्लाई की, कार की स्पीड देखिए स्लो हो गई, क्लच बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया, यहाँ पे मैक्सिमम ड्राइवर्स न्यू हो चाहे एक्सपर्ट ड्राइवर भी हो क्लच प्रेस कर देते हैं बेफजूल का, नीड नहीं है, चाहूँ तो मैं भी प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन जब नीड ही नहीं है तो उसको प्रेस करना जरूरी क्यों है, इनफैक्ट आप क्लच प्रेस करेंगे बाइटिंग पॉइंट पे लेके आएंगे, आरपीएम ऑलरेडी हाई है तो आप गलत कर देंगे अपने इंजन के साथ, और बाइटिंग पॉइंट भी उस पर फिर खराब होने लगेगा, इंजन का क्लच का वेयर एंड टीयर स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट से साइकिल लेकर आ रही थी तो इसलिए मेरे को एकदम से अलर्ट होकर हॉर्न लगाना पड़ा, ये तो सिचुएशन ऐसी होती वो एकदम सामने आ जाता तो मेरे को पैनिक होके इमरजेंसी ब्रेकिंग लगानी पड़ती, अभी देखिए यहाँ सेकंड गियर में चला रहा हूँ मैं और सिचुएशन देखिए मेरे पास स्पेस उतनी ही है, मेरे को क्लच का यूज नहीं लगना पड़ रहा है क्योंकि सेकंड गियर में हूँ मैं, स्लोली मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए अब आगे से ट्रैफिक आ रहा है, सामने से टोटो टर्न ले रहा है, लेकिन फिर भी देखिए क्लच का यूज मेरे को नहीं पड़ा, मैंने नहीं प्रेस किया, अगर मेरे को डाउन शिफ्ट करना होता कंप्लीट स्टॉप करना होता, यहाँ भी देखिए मैंने स्लो डाउन की और साइकिल टर्न हो गई तो मैं लेफ्ट की तरफ आके अपनी कार को निकाल लिया हूँ, तो आप जैसे भी ये अपनी कार को मूव करेंगे अपनी सिचुएशन देखेंगे ट्रैफिक में ऐसी सिचुएशन पे, तो आपने मूवमेंट अपनी कार का इसी तरह से करना है, क्लच का यूज आप इनिशियली जैसे मैंने आपको कहा इनिशियली अगर आप ले रहे हैं क्लच का यूज तो ले लीजिए, क्योंकि आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती हैबिट बनने में, क्लच के कंट्रोल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप अपनी कार को अपने मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर सकेंगे, मेरे को थर्ड गियर से सेकंड गियर लगाना पड़ा और अभी मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं राइट जाके उसको ओवरटेक ले सकूं,